विधायक बापू सिंह तंवर पिछले एक वर्ष से जयपुर जबलपुर मार्ग के राजगढ़ नगर स्थित अधूरे निर्माण कार्य से नाराज थे। विधायक ने जनता को सुविधाओं व रोड निर्माण कंपनी की उदासीनता के कारण टोल प्लाजा के सामने धरना दिया। विधायक के धरना देने के बाद टोल मैनेजर ने मशीन भेज काम शुरू करवाया। मौके पर पहुंचे विधायक बापू सिंह तंवर ने बताया, शहर में सौंदर्यीकरण को लेकर पूरे शहर को हरा भरा करने के लिए पौधारोपण किया जा रहा है। इसी के चलते हमने हाईवे के डिवाइडर पर भी पौधारोपण किया, जिससे वह रोड सुंदर दिखे। नेशनल हाईवे के निर्माण के बाद से ही टोल वसूली शुरू कर दी गई थी, लेकिन हाईवे पर किए जाने वाले कई जरूरी काम को आज तक तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। हमारा पर्यावरण दिवस से 5 जून से लगातार वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है, जिसमें राजगढ़ सुंदर अभियान जिसका हमने नाम दिया है, जिसको हमें सुंदर बनाना है। इसको लेकर जो हमारे शहर के बीचों बीच बाईपास हमारा बिजला डिवाइडर है, इसमें भी प्लांटेशन करके शहर को भी सुंदर बनाने का जो हमारा कार्य है। तो आईडीसी के जो टोल गेट वाला है, ये जो इसमें काम नहीं कर रहा था, तो कल इसको लेकर मैंने उसको टोल बंद किया था कि इसमें प्लांटेशन करना है, तेरे प्रावधान में है, तो उसको गड्ढे वड्ढे करवा के और इसमें प्लांट हम उपलब्ध करा रहे हैं, और ताकि इसमें अच्छा सुंदर राजगढ़ दिखे और इससे ऑक्सीजन भी मिलेगा और लोगों को हरा भरा भी दिखेगा, शहर भी सुंदर दिखेगा। इसके साथ ही शहर को सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए विधायक हाथों में फावड़ा लेकर पौधारोपण कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज, राजगढ़। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।